सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग की किताबों में नालंदा महाविहार के बारे में लिखा है। पूरा विहार ईंटों की एक दीवार से घिरा था। इसका एक दरवाजा सीधे शिक्षा केंद्र में खुलता था, जहां 8 बड़े हॉल में पढ़ाई होती थी। यहां गगनचुंबी 9 मंजिला पुस्तकालय भी था, जहां 90 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद थी। इतिहासकारों का मानना है कि नालंदा इतना विशाल था कि हमलावरों के आग लगाने के बाद परिसर 3 महीने तक सुलगता रहा था। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र को किसने जलाया? ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि इसे 2 ब्राह्मणों ने जलाया था। मेगा स्टोरी में जानेंगे कि 12वीं शताब्दी तक दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा नालंदा विश्वविद्यालय आखिर कैसे तबाह हुआ। किताबों, रिसर्च पेपर्स और इतिहासकारों के हवाले से 1500 साल की पूरी कहानी। नालंदा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 427 ईस्वी में सम्राट कुमार गुप्त ने नालंदा में दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसका नाम नालंदा महाविहार रखा। गुप्त काल के अन्य शासकों जैसे बालादित्य, तथागत गुप्त इत्यादि ने भी नालंदा का निर्माण कराया। गुप्त वंश के शासक धर्मनिष्ठ हिंदू थे। 6 शताब्दी तक नालंदा एक बड़े शिक्षा केंद्र के तौर पर विकसित हो गया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में पाल वंश के संरक्षण से नालंदा को दुनिया भर में पहचान मिली। 20वीं शताब्दी के अंत तक यानी लगभग 800 साल नालंदा महाविहार फला फूला। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि वे 6 शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। इतिहासकार A.L. बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया में लिखते हैं, बुजुर्ग संत और मठाधीश शीलभद्र के नेतृत्व में नालंदा में वेद, हिंदू दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण और चिकित्सा की शिक्षा दी जाती थी। नागार्जुन, दिग्नाग और धर्मकीर्ति जैसे महान दार्शनिक इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। नालंदा में सिर्फ बौद्ध छात्र नहीं बल्कि कठिन मौखिक परीक्षा पास करने वाले अन्य धर्मों के उम्मीदवारों को भी प्रवेश दिया जाता था। नालंदा में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्वान आते थे। उन्होंने यहाँ के माहौल, वास्तुकला, शिक्षा और शिक्षकों के बारे में लिखा है। ऐसे ही एक विद्वान थे 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी यात्री ह्वेनसांग। उन्होंने लिखा, नालंदा में आवेदन करने वाले सिर्फ 20% छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। पहली प्रवेश परीक्षा नालंदा महाविहार के द्वारपाल लेते थे। वो धर्म और दर्शन से संबंधित मुश्किल सवाल पूछते थे। इसके बाद 2 स्तर पर और परीक्षा होती थी। विश्वविद्यालय के संचालन के लिए गुप्त वंश के राजाओं ने अनुदान दिया और 100 गांव विश्वविद्यालय को सौंप दिए। इन गांवों के 200 परिवार बारी बारी से विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी उठाते थे। ह्वेनसांग करीब 5 साल नालंदा में रहे। 645 ईस्वी में 600 से ज्यादा बौद्ध धर्म ग्रंथों के साथ चीन लौटे। इसके लिए उन्हें 20 घोड़ों की मदद लेनी पड़ी। चीनी यात्री शामन हुई ली ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ ह्वेनसांग में लिखा है, नालंदा में सुंदर सजी मीनारें, परी जैसे सजे बुर्ज और बहुमंजिला भवन थे, जिनके ऊपर के कमरे बादलों से भी ऊपर थे। नालंदा अपने विशाल पुस्तकालय धर्मगुंज के लिए प्रसिद्ध था, जिसके 3 हिस्से थे, रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्नोदधि, जहां हस्तलिखित ताड़पत्र की 90 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां मौजूद थी। लेखिका मिशी सरन ने अपनी किताब चेजिंग द मॉन्क्स शैडो में ह्वेनसांग की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। मिशी ने लिखा, कोरिया और जापान तक पहचाने जाने वाला नालंदा विद्वानों से भरा एक जीवंत स्थान था, सेमिनार, शिक्षण और वाद विवाद में व्यस्त। बौद्ध धर्म के बारे में सभी गहन विचारों की खोज और विश्लेषण नालंदा में किए गए थे। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने नालंदा के बारे में कहा था, हमारे पास जो भी ज्ञान है उसका स्रोत नालंदा है। 13वीं शताब्दी तक नालंदा नष्ट हो चुका था।
इसके पीछे इतिहासकारों के दो तरह के वर्जन हैं। पहला, इस्लाम को चुनौती देने की वजह से तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट करवाया। 12वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाज अपनी किताब तबकात ए नासिरी में लिखते हैं, साल 1992 में तुर्की सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में एक किले पर आक्रमण किया। किले में बहुत से ब्राह्मण थे जो अपना सिर मुंडाए हुए थे। उन सभी को खिलजी ने मार डाला। किले से खिलजी को कई किताबें मिली जिन्हें पढ़कर पता चला कि असल में ये किला नहीं, एक विद्यालय था और इसे विहार कहा जाता था। तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन ने 1236 ईस्वी में नालंदा की यात्रा की। उनके मुताबिक तुर्की हमलावरों ने बिहार के बौद्ध मठों और विहारों को तोड़ा और लूटा, मठों के पत्थरों को गंगा में फेंक दिया, किताबों और ग्रंथों का भी यही हाल किया। 1235 ईस्वी तक नालंदा उजड़ गया था। दूसरा, ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच विवाद होने के बाद दो ब्राह्मणों ने नालंदा में आग लगाई। तिब्बती लामा तारानाथ के मुताबिक दो ब्राह्मण साधुओं और बौद्ध भिक्षुओं के बीच विवाद हुआ। बाद में ब्राह्मण भिक्षुओं ने तंत्र सिद्धि हासिल कर नालंदा के पुस्तकालय जला दिए। यही बात सुम्पा खान पो की किताब पग सम जोन गैंग में भी लिखी है। मध्यकालीन इतिहास की जानकार डॉक्टर रुचिका शर्मा कहती हैं कि नालंदा को जलाना तो दूर खिलजी ने हाथ तक नहीं लगाया था। इसके लिए वो दो प्रमुख थ्योरी देती हैं। पहली थ्योरी, खिलजी ने नालंदा नहीं बल्कि ओदंतपुरी मठ को ध्वस्त किया। मिन्हाज ए सिराज जुझानी की किताब तबकात ए नासिरी में खिलजी के एक विहार पर आक्रमण का जिक्र मिलता है, लेकिन नालंदा नाम कहीं नहीं लिखा। मिन्हाज एक जगह औदंत विहार नाम बताते हैं। इतिहासकार जादुनाथ सरकार इसकी पहचान औदंतपुरी मठ के रूप में करते हैं। ये नालंदा से काफी दूर है। दूसरी थ्योरी, खिलजी की मौत के 28 साल बाद हुआ था नालंदा पर हमला। 1234 ईस्वी में भारत आए तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन अपने यात्रा वृत्तांत में मठों पर खिलजी के हमले का जिक्र तो करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नालंदा का जिक्र नहीं करते। हालांकि धर्मस्वामिन एक अटेम्प्टेड अटैक का जिक्र करते हैं जो त्रुष्का ने 1234 ईस्वी में किया था। तब बख्तियार खिलजी को मरे हुए 28 साल हो गए थे। डॉक्टर रुचिका शर्मा के मुताबिक इन तमाम चीजों के बीच एक कॉमन बात यह है कि नालंदा जली तो थी। इसके आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी हैं। ऐसे में अगर नालंदा को खिलजी, तुर्कों और त्रुष्कों ने नहीं जलाया तो किसने जलाया? रुचिका शर्मा इसके लिए दो प्रमुख थ्योरी बताती हैं। पहली थ्योरी, ब्राह्मणों ने नालंदा में आग लगाई। 17वीं शताब्दी में बौद्ध स्कॉलर तारानाथ लिखते हैं कि काकू सिद्धा ने श्री नालेंद्र यानी नालंदा को बनवाया। इसके उद्घाटन पर एक भव्य भोज रखा गया था। इस भोज में दो तीर्थक यानी ब्राह्मण भी आए थे। कुछ बौद्ध भिक्षुकों ने उन पर पानी फेंक दिया। उनमें से एक ब्राह्मण ने ठान लिया कि वो सिद्धि प्राप्त करेंगे और इसका बदला लेंगे। इसके लिए उन्होंने 12 साल की समाधि ली और सूर्य से सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद दोनों ही ब्राह्मणों ने मिलकर एक यज्ञ किया और उसकी राख नालंदा में फेंक दी। इससे लगी चमत्कारी आग में 84 बौद्ध केंद्र जल गए। दूसरी थ्योरी, आकस्मिक आग से जल गई थी नालंदा। एक दिन अचानक आग लगने से नालंदा नष्ट हुई। नालंदा की खुदाई के दौरान यह पता चलता है कि वहां बंद कमरों में खाना बनता था। बौद्ध भिक्षु खुले लैंप का प्रयोग करते थे जिनकी वजह से आग लग जाना काफी आम बात थी। खुदाई के दौरान स्थल 12 में 1003 ईस्वी का एक शिलालेख मिला। इसमें लिखा है कि एक बड़ी सी आग ने नालंदा को नष्ट कर दिया था। अधिकतर इतिहासकार और विद्वानों का मानना था कि नालंदा धीरे धीरे ध्वस्त हुई थी। इसके प्रभाव 9वीं और 10वीं शताब्दी से ही दिखने लगे थे। 1197 ईस्वी में बिहार पर हमले का जिक्र करते हुए इतिहासकार विसेंट स्मिथ कहते हैं कि खिलजी ने बिहार पर बार बार हमला करके लूटपाट की। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1924 के पृष्ठ 419 और 420 में इन बातों का जिक्र है। नालंदा से जुड़ी एक प्रचलित थ्योरी है कि खिलजी और उसके सैनिकों को लगा कि बौद्ध यूनिवर्सिटी की शिक्षाएं इस्लाम से प्रतिस्पर्धा करती हैं, इसीलिए उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। आर्कियोलॉजिस्ट H.D. संकलिया ने अपनी 1934 की किताब में लिखा कि नालंदा का परिसर किला जैसा था।
इसकी समृद्धि की कहानियां भी दुनिया भर में चर्चित थीं। इस पर हमला करना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था। नोबेल प्राइज विजेता और नालंदा विश्वविद्यालय की अंतरिम गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अमर्त्य सेन ने 8 जनवरी 2011 को द हिंदू में पब्लिश एक लेख नालंदा और विज्ञान की खोज में लिखा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की शुरुआत के तुरंत बाद और कैम्ब्रिज की शुरुआत से कुछ समय पहले यानी 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में अफगानों ने नालंदा को नष्ट कर दिया। नालंदा के ऑनसाइड म्यूजियम के डायरेक्टर शंकर शर्मा के मुताबिक नालंदा पर हमला क्यों हुआ इसका निश्चित और सही कारण बता पाना मुश्किल है। एक बात पक्की है कि नालंदा पर 3 बार हमला हुआ था। हूणों का हमला 5वीं शताब्दी में मिहिरकुल के शासनकाल में हूणों ने किया था। हूण का मकसद नालंदा में लूटपाट करना हो सकता है। गौड़ का हमला 7वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के गौड़ राजा ने शैव हिंदू संप्रदाय और उस समय बौद्धों के बीच बढ़ते विरोध के चलते हमला किया था। खिलजी का हमला सबसे बड़ा हमला 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया था। इसके बाद नालंदा तबाह हो गया। बौद्ध शिक्षा के प्रति उत्साह कम हो गया था। किसी भी शासक ने नालंदा को फिर से स्थापित करने की कोशिशें नहीं की। नालंदा तब से अपने खंडहरों में ही पड़ा रहा। नालंदा के पूरी तरह नष्ट होने की अन्य वजहें, नंबर 1, राजघरानों से कम संरक्षण। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि नालंदा को बीतते समय के साथ राजाओं से वित्तीय और अन्य तरह की सहायता मिलनी बंद हो गई थी। आर्थिक स्थिति बिगड़ने से संचालन मुश्किल हो गया था। नंबर 2, विद्वान शिक्षकों का छोड़कर जाना। नालंदा पर लगातार हो रहे हमले और लूटपाट के कारण विद्वान शिक्षक यूनिवर्सिटी को छोड़कर जाने लगे। इससे यहां शिक्षण का स्तर कमजोर पड़ने लगा। नंबर 3, दूसरी यूनिवर्सिटीज से प्रतिस्पर्धा। नालंदा विश्वविद्यालय के समय में विक्रमशिला भी प्रमुख शिक्षण संस्थान था। दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। केवल हमलावरों ने ही नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों ने भी नालंदा पांडुलिपियों को लूटने का काम किया। नंबर 4, छात्रों की संख्या में कमी। नालंदा विश्वविद्यालय में समय समय पर हुए लगातार हमलों की वजह से यहां पढ़ने वाले छात्रों के मन में डर पैदा हो गया। इस कारण नालंदा में छात्रों की संख्या में बड़ी गिरावट आई। नंबर 5, धार्मिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच धार्मिक संघर्ष की स्थिति बन रही थी। इसका कारण यह था कि हिंदू संप्रदाय नालंदा क्षेत्र में अपने धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करना पसंद करते थे और बौद्ध इसका विरोध कर रहे थे। मगध क्षेत्र में राजनीति अस्थिरता थी जिसका असर विश्वविद्यालय पर पड़ा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ब्राह्मणों ने तो ढहवाया, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। जबकि बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए जाने का एक प्रमाण मौजूद है। इस कंट्रोवर्सी में ज्यादा जाने से कोई लाभ नहीं है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जब अनसेफ हो गया और उस पर कई हमले हुए, आग लगा दी गई, तब लोग उसे छोड़कर चले गए।